वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड में एक नया अपडेट आया है। पहले भी आधार कार्ड को लेकर के काफी चेंजेस हुए हैं और आज भी आधार कार्ड को लेकर के एक नया अपडेट आया है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या है वह अपडेट। आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। और आपको ऊपर लिखना है माई आधार। माई आधार जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने माई आधार इनक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेज खुल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का जो ऑफिशियल पेज है आप उस पर चले जाएंगे। आधार कार्ड के दो ऑफिशियल पेज हैं, एक uidi.gov.in और एक myaadhar.uidi.gov.in। तो दो पोर्टल हो गए हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जाना है डाउनलोड पर। डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने आधार नंबर डाल करके आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। चाहो तो आप eID या वर्चुअल आईडी से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको पहले अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेता हूँ। आधार नंबर मैंने टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पर कैप्चा टाइप करता हूँ। कैप्चा टाइप करके आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। तो मैं मोबाइल नंबर पर ओटीपी ले लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं डाउनलोड बॉक्स पर चलता हूँ और यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करके देख सकते हैं कि आप मेरा आधार कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है या कस्टमर का आधार यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं, जा करके ओपन करते हैं एडाओ। इसमें जा करके इसमें क्योंकि राइट का निशान आपका बना हुआ आ जाए, तो यहाँ पर आपको आपके नाम के शुरू के चार अक्षर दे देने हैं कैपिटल लेटर्स में। और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो आपका ईयर है वो ईयर आपको यहाँ पर दे देना है। ईयर डालने के बाद आपके सामने आधार खुल जाएगा। आपको इसे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद अगर आपके आधार में ये राइट का निशान नहीं आता है तो आप इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करें और सिग्नेचर टैब में जाएं। सिग्नेचर पर क्लिक करें और यहाँ पर जाएं सो सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और आपको यहाँ पर जाना है ट्रस्ट पर और यहाँ से ऐड ट्रस्ट सर्टिफिकेट पर जाकर के सबको आपको राइट कर देना है। फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको वैलिड सिग्नेचर पर जाना है और आपके सामने ये राइट का सिग्नेचर वाला साइन आ जाएगा। फिर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या नया होने हुआ है इसमें। जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं आधार पहचान का प्रमाण है। साफ साफ लिखा है आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। आप ध्यान से देख सकते हैं आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। इसका उपयोग ऑनलाइन प्रमाणीकरण या QR कोड, ऑफलाइन XML की स्कैनिंग के साथ किया जाना चाहिए। साफ साफ लिख के दिया है। ये आधार कार्ड में नए चेंजेस हुए हैं और आप देख सकते हैं पहले जो ऊपर वाला एड्रेस था उसका प्रारूप कुछ और आता था, मतलब वो शो करता था। उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस किया है और यहाँ पर भी आधार में चेंजेस किए गए हैं। तो इसी अपडेट को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सभी लोग सपोर्ट करें क्योंकि मेरे व्यूवर्स बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।